अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंचासीन हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सेल्फ लीडर्स, सांसद, विधायकगण, मंत्रीगण, एआईसीसी के पदाधिकारीगण, इस आज किसान सभा में मौजूद इतनी बड़ी तादाद में आए हमारे किसान भाई, नौजवान दोस्तों, पार्टी के कार्यकर्तागण, महिलाओं, आदरणीय बुजुर्गों, बच्चों, मैं आप सब लोगों का सबसे पहले आप सबकी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से परम आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी का जयपुर में आगमन पर स्वागत करिए। आज इस किसान रैली को करने का जो उद्देश्य था वो आप लोग भली भांति जानते हैं। राजस्थान और अनेक राज्यों में, देश भर में जिस पीड़ा में आज किसान बैठा है, उसका परिवार जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस सब को देखकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था चुनाव अभियान के दौरान कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह अगर कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल जी आपका कि आपके निर्देश के अनुसार तीनों राज्यों के अंदर 2 दिन के अंदर हमारी सरकारों ने किसानों का ऋण माफ किया है। ये ऋण माफी पिछली सरकार भी कर सकती थी लेकिन 5 साल तक वसुंधरा जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, बहुत भाषण हुए, बहुत जुमले दिए, किसान लगातार आत्महत्या करते रहे, लेकिन कांग्रेस का शासन बनने के बाद आज किसान को एक उम्मीद की किरण दिखी है। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी का कि आपने इतना मजबूत संकल्प लेकर जनता के साथ जो वादा किया, आज प्रदेश का, पूरे देश का किसान ये उम्मीद करता है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी, तभी किसान के बेहतर दिन आएंगे, तभी किसान खुशहाली के रास्ते पर निकल सकता है। साथियों, नई सरकार बनने में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। मैं आज इस मंच से प्रदेश के हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके खून पसीने की बदौलत आज प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। हम जितने भी आज लोग मंच पर बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद से बैठे हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि बहुत जल्द प्रदेश और देश में लोकसभा के चुनाव भी होंगे और राहुल जी, 11-12 महीने पहले राजस्थान में 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज मैं प्रदेश की जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा में जो 23 सीटों की कमी रह गई थी वो 23 सीटें जीतकर राहुल जी की झोली में डाल दें ताकि केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। साथियों, इस प्रदेश में जब किसान और नौजवान मन बना लेता है, राजस्थान और हिंदुस्तान में नौजवान और किसान जिस करवट बैठ जाता है, जीत उसी दल की होती है। और आज पूरे हिंदुस्तान भर में भाजपा की सरकार को चुनौती देने के लिए जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी जी ने कटघरे में खड़ा किया है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकिन समूचा विपक्ष ये देख रहा है कि आज मोदी जी की सरकार को ललकारने की हिम्मत किस पार्टी, किस नेता में है। आपके नेतृत्व में आज भाजपा को हमने कटघरे में खड़ा किया है, किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आज आपने उनको जवाब देने के लिए मजबूर किया है। देश की सदन के अंदर, संसद में और सड़कों के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का कि आपने सरकार बनने के तुरंत बाद हम सब लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उसको देखकर जनता में आज संतोष है और नौजवान, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, किसान सब लोग आज उम्मीद करते हैं कि जिस सरकार ने शुरुआत में ऐसे कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में एक बेहतर सरकार देने का काम हम करेंगे। क्या जरूरत थी, 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी, वही आमदनी थी,
वही संसाधन थे, वही कर्मचारी थे, लेकिन संकल्प शक्ति की कमी थी। आज राहुल जी के आदेश के बाद तीनों राज्यों में जिस प्रकार से ऋण माफी हुई है, मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद हम इस देश में और इस प्रदेश में विशेष रूप से एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। और साथियों, ग्रामीण अंचल में जहां पर भाजपा के शासन ने नरेगा को लगभग समाप्त कर दिया था, मैं इस मन से इस प्रदेश के जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव ढाणी पंचायत के अंदर दोबारा दुगनी ताकत से हम नरेगा के काम चालू करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। भाजपा की सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट था। आज जब शासन बदला है, जब सरकार बनी है, तो हमारे नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, उद्योग भी लगेंगे और आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए खुशहाली वाला समय होगा। तीन राज्यों में चुनाव हुए, 3-0 की पराजय हुई है। ये चुनाव के परिणाम आने वाले समय का प्रतीक है। 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार के गठन में राजस्थान की जनता का और हमारे 25 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीते, इस बात का भी आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और प्रदेश की जनता को आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार जिस मजबूती से आगे बढ़ी है, एक ईमानदार सरकार जो बिना भेदभाव करे लोगों का भला करने के लिए आगे बढ़ी है, आप सबके समर्थन के साथ एक बहुत बेहतर शासन हम लोग राजस्थान में देंगे। आज इस पावन अवसर पर राहुल जी का स्वागत करते हुए मैं देश के और खास करके प्रदेश के किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद जो आपकी मदद हुई है, इसमें लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे और नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारी पार्टी और पार्टी के नेताओं को मिलता रहे। आप सब यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब से कि वो आकर अपनी बात को यहां पर रखें।